दिल मसल सेल्स का बना होता है। इन सेल्स को भी जिस्म के दूसरे सेल्स की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए खुराक और ऑक्सीजन दरकार होती है। खून की वो नालियाँ जो दिल को खुराक और ऑक्सीजन फराहम करती हैं क्रोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। एक ठोस मादा प्लेक क्रोनरी आर्टरीज की दीवारों में जमा हो सकता है। ये मादा चिकनाई और दूसरे सेल्स का बना होता है, इसकी वजह से क्रोनरी आर्टरीज तंग हो सकती हैं। बाजुकात ये मादा खून का लोथड़ा यानी ब्लड क्लॉट बनकर क्रोनरी आर्टरीज को बंद कर देता है, इसकी वजह से दिल के किसी हिस्से में खून नहीं पहुंच पाता। दिल का ये हिस्सा खुराक और ऑक्सीजन की कमी से मरना शुरू हो जाता है। दिल के एक हिस्से की मौत हार्ट अटैक कहलाती है। अगर दिल के मसल का ज्यादा हिस्सा मर जाए तो दिल खून को पंप करने के काबिल नहीं रहता और इंसान की मौत वाकई हो सकती है।